anti-pollution and fuel saving for all automotives. Save fuel up to 20%, pollution 50 to 70%. Wait for Pan India launch. नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीम में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में, जहाँ पे आप पाकिस्तानी हिंदुओं को आप देख सकते हैं, जो पाकिस्तान से कई वर्षों पहले इस उम्मीद में हिंदुस्तान में आए थे कि इनको एक दिन यहाँ पे नागरिकता मिलेगी। लोकसभा और राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल पास होने के बाद इनकी खुशियाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तानी जो गीत है उनके ऊपर डांस करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं इन्हीं हिंदुओं से, कितनी खुशी है इनको इस चीज़ के बारे में जानने। ये ऐसा फैसला है जो भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ही ले सकती थी, अमित शाह जी ही ले सकते थे ऐसा फैसला। ये ऐसा फैसला है और ये ऐसा फैसला है कि जो लोग कहते हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना जो है वो लोग अब उसको जो ये लोग सवाल करते थे अब वो बिलों में घुसे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आज इमरान खान और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, इनके सबके बयान एक जैसे हैं, ये एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान की भाषा हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां क्यों बोल रही हैं। आज मैं आप लोगों को ये बताने से बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि एक बच्चा जो आज से 50 साल पहले अपनी माँ से बिछड़ गया हो और आज वो दोबारा अपनी माँ से मिल रहा हो तो इसको कितना गौरवान्वित और हर्षान्वित होता है। आप ये समझिए, जो हिंदू भाई हमारे डिवाइडेशन के टाइम उधर रह गए थे और आज वो किसी भी रूप में अत्याचार में वापसी अपने गांव देश आ गए और आज उनको नागरिकता मिल रही है तो उनको कितना मजा और आनंद की अनुभूति हो रही है, आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सिर्फ हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी हिंदू आए थे उनके लिए नहीं, जो पाकिस्तान में भी बैठे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत खुश है, हमें बहुत खुशी मिली है नागरिकता हमें जो मिल गई है। हम झूम रहे हैं, नाच रहे हैं सारे, देखो सामने, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि हमें नागरिकता मिल गई, हम यहाँ के बन चुके हैं, हमें बहुत खुशी मिल रही है। आज इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं इस मिट्टी का बेटा, उस धरती का बेटा हूँ, लेकिन किस लोगों की वजह से, कुछ नेताओं की वजह से 47 में मैं अपनी माँ से जुदा हो गया था और आज फिर मोदी ने ठप्पा लगा दिया कि तू इस बेटा है इस धरती का और मैं इस धरती का बेटा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी खुशी का कोई अंदाजा नहीं है। बच्चे लूटे, सब कुछ लूटा, यहाँ सब कुछ मिल गया हमको, जन्मभूमि मिल गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम लोग 2011 में आए थे पाकिस्तान से, 2011 में दिल्ली में पहुंचे थे धार्मिक वीजा लेके। यहाँ पे हमें मोदी सरकार है तो मुमकिन है, मोदी के आश्वासन दिया और संसद में जो कल बिल पास हुआ है उसकी हमें बहुत खुशी है और बहुत आनंद आ रहा है। बहुत खुश हैं, बहुत हमारे को खुशी हो रही है और तुम्हारे जैसे भाइयों की वजह से हमारे को नागरिकता मिली है। आप जैसे भाइयों की बहुत धन्यवाद, मोदी की बहुत धन्यवाद। राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल पास होने पर पाकिस्तानी जो हिंदू थे यहाँ पे कई सालों पहले आए थे, इनकी खुशी का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं हिंदुस्तानी गीतों पे, जिस तरह से डांस हो रहे हैं। हमने आपसे बात भी करवाई, जितने भी हिंदुस्तानी हैं बहुत खुश हैं, मोदी जी का, अमित शाह जी का, गृहमंत्री का, उनका धन्यवाद दिल से कर रहे हैं। भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान को भी नसीहत दी कि अपनी औकात में रहो। हिंदुस्तान पाकिस्तान जो यहाँ पे कई साल पहले 2011 में यहाँ पे जो यहाँ पे ये लोग आ गए थे और आज सभी हिंदुस्तानी जो गीत हैं उनके ऊपर यहाँ पे जो है यहाँ पे डांस किया जा रहा है और मिठाइयाँ यहाँ पे, यहाँ तक कि मिठाइयाँ भी एक दूसरे को खिलाकर नागरिक संशोधन बिल का स्वागत किया जा रहा है। दिल्ली रोहिणी सेक्टर 11 से पाकिस्तानी रिफ्यूजी कैंप से पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट।